जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। यूपी पुलिस की जो न्यूज़ आज आई है अखबार में, आपको कटिंग भी दिखाएंगे, और जब कोई सूचना ना आ रही हो और उस टाइम को सूचना आनी, छोटी सी विज्ञप्ति भी हमको राहत भरी होती है, क्योंकि हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अखबारों में तो दोस्तों ये भर्ती 2020 से ही मतलब चल रही है कि हाँ इतने पद प्रस्तावित है, होगी। 22 से तो इन्होंने अखबार में निकालना शुरू कर दिया कि इस महीने हर 2-3 महीने में दे देते हैं। पर दोस्तों ये समय अब अंदाज़ा यहाँ भी लगाया जा सकता है, 2024 में चुनाव है और इनको वहाँ पर घोषणा करने के लिए हमने इतनी भर्ती प्रक्रिया में है, इतना ये है, तो उस टाइम पर इनको भर्तियाँ गिनानी है। तो आपकी दोस्तों हर हालत में भर्ती ये जल्द देंगे। एक बार आप पहले न्यूज़ की कटिंग देख लीजिए आज की, फिर बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये अखबार की कटिंग है आज की, यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती, जल्द भेजा प्रस्ताव। तो लखनऊ की आज की कटिंग है, प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्ती करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस पुनोति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन ने प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ की कटिंग देखी है, इसमें इन्होंने दिया है कि इतनी भर्ती का प्रस्ताव पर मंजूरी बस मोहर लगनी बाकी है, मोहर जैसे लग जाएगी तुरंत ही नोटिफिकेशन देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों हम कल भी एक वीडियो बनाए थे, हमने बताया था दोस्तों आपका जून का महीना चल रहा है, 2 जून हुई है, जून में और जुलाई तक, मतलब हम बढ़ के ही कह रहे हैं जुलाई तक आपको 101% ये खबर मिल जाएगी या ये हो जाएगा तय कि इस तारीख से आपके फॉर्म पढ़ने हैं, और वो पढ़ने ही हैं। क्यों? कि इनके पास में अब कोई बहाने के लिए कोई समय नहीं है कि टेंडर नहीं ले रही बोर्डों, मतलब जो अपनी कंपनी होती है टेंडर नहीं ले रही, ये सब जो है एक प्रकार से बहाना ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, सरकार अगर चाहे तो टेंडर वगैरह इनके हाथ में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों कितनी भर्ती, तो दोस्तों आज भी इन्होंने सीधा मेंशन किया है वो 41,000 वाला, कल भी हम बता रहे थे ये जी 41,000 भर्ती का चल रहा है, 41,028 जो भर्ती बता रहे हैं, इसमें और भी भर्ती शामिल है, जिसमें क्या रेडियो ऑपरेटर वाली है, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप, तो ये इन्होंने ये भी शायद पेंडिंग है तो इसलिए इसको भी लगा लिया हो, खेल कोटे की भर्ती निकाली है, UPSI भी है, तो इस प्रकार से सारी भर्ती को मिलाकर ये, और यूपी कांस्टेबल, ये सबको मिलाकर ये 41,028 जो है दिखा रहे हैं। बहरहाल कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी दोस्तों, तो ये भर्ती तो 35,000 के 757 ही प्रस्तावित है, और अभी तक जो उम्मीद है तो यही है, इतनी ही भर्ती आएगी। पर कुछ कह नहीं सकते कि पदों की संख्या तो आप देखे होंगे SSC GD में कई बार बढ़ी और घटी, और हम तो कहते हैं कि थोड़ी बढ़ के ही निकाल दो हमारे भाई बहनों को, ताकि जो मौका मिल जाए। तो दोस्तों भर्ती कब तक, सबसे बड़ा यही मुद्दा है। तो दोस्तों आप मानिए जुलाई तक आपको 100% जो है भर्ती का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल उनके नोटिफिकेशन में कि आपके इस तारीख से फॉर्म पड़ेंगे और इस तारीख से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों एक दिन अखबार में भी आप देखे होंगे, साल के अंत तक कराएगी यूपी पुलिस जो है, यूपी भर्ती बोर्ड कराएगा परीक्षा। बिल्कुल सही बात है, साल के अंत तक परीक्षा करा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या उम्र में छूट मिलेगी दोस्तों, इस पर अभी सटीक कोई कंफर्म नहीं कह सकता, पर 3 साल की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि आज भी मेरे भाई का कमेंट था कि सर हम ओवर एज हो गए तो क्या करें। तो दोस्तों एक बात तो मैं कहूँगा, अगर आप यूपी पुलिस में ओवर एज हो गए हैं तो इसके बावजूद भी आपके पास में ऑप्शन बचते हैं, रेलवे है, रेलवे में 18 से 25 लिया जाता है एज डायरेक्ट, और आप अगर ग्रेजुएट हैं तो SI का भी है, और भी काफ़ी ऐसी जगह हैं। आप उदास निराश ये ना हो, एक बच्चा लिख रहा हम क्या करें, हम लगता है कि हमारा जीवन तो समाप्त हो गया, ऐसा दोस्त नहीं है, जीवन समाप्त नहीं होता है, जिसके हाथ पैर और सब सलामत है उसके लिए कभी ऐसा उदास निराश नहीं होना है दोस्तों। क्या नौकरी नहीं होगी तो क्या हम लोग नहीं जिएंगे? जीना पड़ेगा दोस्तों, पर एक मतलब नौकरी होती है तो थोड़ा सा उसका अलग ही हो रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन ना लें। और जैसे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एज ज़्यादा लेता है, और आप फौज में भी ट्राई कर सकते हैं, अभी SSB ट्रेड्समैन चल रही है, वहाँ पर भी आप अच्छे पदों में भर्ती हो सकते हैं। कई जगह ऐसी मतलब ये है, ये नहीं है कि हम खाली
इसी को पकड़ के बैठ जाएं कि यूपी पुलिस अगर ओवर एज हो रही है तो दोस्तों आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। और मैं इसको सरकार को भी और सबको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों बच्चों का भविष्य है, छूट मिलनी चाहिए। अब इसके लिए हम खैर ऑब्जेक्शन और रोड पे तो हम नहीं आ सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पर आप लोग ज़रूर इसके लिए आप हक की आवाज़ अपने उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँगा क्या उम्र में छूट मिलेगी, तो कोई दोस्तों 100% सटीक नहीं है, पर मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन या आज तक अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि हम कोरोना काल में भर्ती नहीं दिए, भर्ती इतने समय से नहीं आए तो हम 3 साल छोड़ देंगे, ऐसी कोई इनकी घोषणा नहीं है, पर दोस्तों होनी चाहिए। इसके बाद तैयारी, देखो दोस्तों तैयारी की बात करें तो तैयारी तो दोस्तों रनिंग और रिटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं पेपर पास कर गए, दरोगा का पेपर पास कर गए, फेल हो गए फिजिकल में। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करके चलना है, पहले पेपर का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसके बाद में फिजिकल की। तो दोस्तों तैयारी को कंटिन्यू करें, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी चारों को दमदारी से पढ़ते रहें। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप एक बार फिर सिलेबस को कंप्लीट करें, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में फिर मॉक टेस्ट लगाएं, देखिए आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने हमको मेन तो आपको अखबार की कटिंग दिखाना था, बाकी तो आपसे रूबरू होना अच्छा लगता है दोस्तों। और कैसा लगा आपको हमसे जुड़ना बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। किसी की कोई क्वेरी हो यूपी पुलिस और एसएसबी से संबंधित, इसकी हाइट चेस्ट या पेपर का लेवल जो भी है, आप बिल्कुल हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, किसी की कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, और चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।